आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश सोनी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय दिल्ली में मानसून स्तर चल रहा है, बरसात दिन प्रतिदिन आ रही है और बरसात भी झमाझम जबरदस्त आ रही है। ऐसे में आपने देखा होगा दिल्ली की तमाम सड़कें जलमग्न है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, नालियां पूरी तरह से जाम है और इसका समाधान सोचने की बजाय राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। नगर निगम में बैठी भाजपा और उसके कार्यकर्ता सड़कों पर जल भराव की वीडियो बना बनाकर यह साबित करने में लगे हुए हैं कि दिल्ली सरकार ने नालों की सफाई नहीं करी, दिल्ली सरकार ने सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। पूरी ताकत लगा रहे हैं नगर निगम के नेता प्लस भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार को बदनाम करने में। वहीं दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के नेता, कुछ एक नेता और कार्यकर्ता नगर निगम में बैठी भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि उन्होंने नालियों की सफाई नहीं की। दोनों ही पार्टियों को, नगर निगम में बैठी भाजपा और दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी, इनके नेताओं को और इनके कार्यकर्ताओं को दिल्ली की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। बस सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और हालात नाजुक हैं। जैसा कि हम बात करें विकासपुरी विधानसभा की, तो शिविर लाइन का कार्य चल रहा था और इस बरसात ने जगह जगह गलियों में खड्डे कर दिए हैं, क्योंकि वो जमीन बैठ चुकी है जहां शिविर डले हैं और जहां शिविर की खुदाई हुई थी उसके बाद ये सड़कें बनी नहीं, ना इनकी रिपेयर हुई, तो वो मिट्टी कट कट के शिविर के पाइपों में जा रही है। दोनों ही पार्टियों को दिल्ली की जनता, दिल्ली की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। भाजपा कहती है कि दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया और दिल्ली सरकार कहती है निगम में बैठी भाजपा ने काम नहीं किया। दिल्ली की आम जनता को ना भाजपा से मतलब है और ना दिल्ली सरकार से मतलब है, उसे तो अपने काम से मतलब है। अगर समय पर मानसून आने से पूर्व नालियों की सफाई और नालों की सफाई सुचारू रूप से हुई होती तो आज ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता कि जगह जगह जो पानी भराव है जिससे अनहोनी होने के खतरे बने हुए हैं। आपने द्वारका का एक वीडियो देखा होगा कि एक रोड के ऊपर पूरी कार समा गई, रोड के अंदर जो खड्डा हो गया और कार पूरी समा गई। ऐसे बहुत से मामले हैं दिल्ली के, लेकिन दिल्ली की जनता इन नेताओं से मांग करती है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय दिल्ली के विकास पर ध्यान दें, साफ सफाई पर ध्यान दें। राजनीतिक रोटियां सेककर आम जनता को गुमराह ना करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल ना करें। दोस्तों, गंभीर विषय है, इस पर विचार करें। ये राजनीतिक दल सदा ही हम लोगों को गुमराह करते हैं
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।